दोस्तों, मैं हेमंत आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपको अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, कुछ कलेक्शन के कुछ कॉइन्स का कुछ एक पैकेट का वही दिखाएगा आपको आज के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 2 आना का बुल कॉइन है, 1954 का। ये कॉइन अगर आपको चाहिए मिल जाएगा 730 रुपीज़ में। ये भी आपका 2 आना का कॉइन है, 1950 का बुल वाला। ये स्केयर कॉइन है बुल के, शोकेबल बैक साइड बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये मिल जाएगा 730 रुपीज़ में। ये भी 2 आना का कॉइन, 1954 का। ये कॉइन आपको मिलेगा 730 रुपीज़ में, बुल कॉइन। तो 1954 में 2 आना के कॉइन भी सर्कुलेशन में होते थे, ये कॉइन चलते थे। ये भी 2 आना का कॉइन है, 1954 का। ये मिल जाएगा 680 रुपीज़ में। ये भी 2 आना का कॉइन, 1954 का। ये मिल जाएगा 680 रुपीज़ में। ये भी 2 आना का 1954 का। ये मिल जाएगा 680 रुपीज़ में। ये भी 2 आना का कॉइन है, 1954 का। ये 680 रुपीज़ में। ये भी 2 आना का कॉइन है, 1954 का। ये भी मिल जाएगा 680 रुपीज़ में। ऐसे कॉइन की कंडीशन, वैसे उस कॉइन का प्राइस। उसके बाद दोस्तों, ये शायद पहली बार हमारी वीडियो में आ रहे होंगे। ये जॉर्ज फिफ्थ के किंग एम्परर के कॉइन है, फाइन कंडीशन का कॉइन है, 1919 का कॉइन है। ये 4 आना का, 4 आना का। ये भी काफ़ी आप कह सकते हो स्केयर कॉइन है, 1919 का। ये आपको मिल जाएगा 640 रुपीज़ में। ये भी 4 आना का कॉइन है, जॉर्ज फिफ्थ का, अमेरिकन एम्परर थे इंडिया के। 1919 का कॉइन है। ये आपको मिल जाएगा 640 रुपये में, 640 रुपीज़ में। और ये वाला भी जॉर्ज फिफ्थ का कॉइन है, 4 आना का, 1920 का। ये मिल जाएगा आपको 640 रुपीज़ में। ये भी जॉर्ज फिफ्थ का कॉइन है, किंग एम्परर से हमारे इंडिया के। 1920 का कॉइन है। ये भी फाइन कंडीशन का ही कॉइन है, 4 आना का। ये मिल जाएगा 640 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये 2 रुपये का पैकेट है, केआरपुरी का। डबलिंग नंबर भी आएगा, 491401 का। केआरपुरी रेयर सिग्नेचर, स्केयर सिग्नेचर है। बैक में सेटेलाइट का फोटो बना हुआ, काफ़ी प्राइस बढ़ चुका है सेटेलाइट का। और हल्का सा यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट इस तरफ। तो अगर आपको पैकेट चाहिए, पैकेट आपको मिल जाएगा 3930 में। तो अच्छा पैकेट कलेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा खुश रहिए, कलेक्शन करते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।